बिसफल रहीम असल आई होप यू आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी आई एम योर हिस्ट्री टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल योर हिस्ट्री क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट पी आर ऑन यूनिट नंबर थ्री जिसमें हम मुस्लिम डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम सलजूक एवब्स और फाद्स को डिस्कस कर चुके हैं आज हमने सफ़ाव डायनेस्टी जो है इसको डिस्कस करना है ओटोमन एम्पायर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं आज हम हफावत्स को डिस्कस करेंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स नॉलेज क्या है आज का ट्रेस the origins ऑफ सफाव डायनेस्टी इन परजिया एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सफ़ावित रूलर्स सो परजिया में किस तरीके सेफावद डायनेस्टी का आगाज़ हुआ हम इस पर एक इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद इस डायनेस्टी में कौन से इम्पॉटेंट रूलर्स गुजरे हैं उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हम उसको भी डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेकर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इसका ये है कि ये पंद्रह सौ एक में जो है इसकी बुनियाद रखी गई और किस इलाके में रखी गई मॉडर्न डे जो ईरान है उस इलाके में रखी गई और जो कल्चर ईरान में आज फॉलो होता है बेसिकली वो सफाविद डायनेस्टी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया इसके अलावा जो सासनेड एम्पायर थी जिनको आप ससैनियन भी कहते हैं ये उससे भी इंस्पायर्ड एक जो है वो डायनेस्टी थी मैं ये नहीं कहूंगी कि ये उनके डिसेंडेंट्स थे ऐसा नहीं है ये उनकी में से भी नहीं थे आ, का जो है इख्त हुआ था जब मुस्लिम्स ने इस इलाके को कॉन्कर कर लिया था लेकिन जो जिस किस्म का कल्चर वो फॉलो कर रहे थे जिस किस्म का गवर्नमेंट सिस्टम वो लोग फॉलो कर रहे थे इस एंपायर ने भी उसी को फॉलो किया ठीक है तो इस तरीके से इनके अंदर कुछ चीजें जो है वो मुश्तर हैं और जो रिलिजन और जो रिलीजन की बेस और गवर्नेसन सॉरी सफाव डायनेस्टी ने जिसकी बुनियाद रखी मॉडर्न डे ईरान में अभी भी वो चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं इस डायनेस्टी को अगर आप देखें तो इसका इलाका कहां से शुरू होकर कहां ख़त्म हो रहा है आप ये देख सकते हैं कि कुछ इलाका बलूचिस्तान और सिंध का इनके पास है काबुल यानी कि अफगानिस्तान ईरान और इसके अलावा कुछ इलाके जो हैं यहाँ आपको क्योंकि ब्लैक सी और कैस्पियन सी नजर आ रहा है कुछ इलाके जो हैं वो इराक के और कुछ इलाके टर्की के भी इसके अंदर जो है वो शामिल है इराक तकरीबन पूरा ही शामिल है टर्की के भी कुछ इलाके इसमें शामिल थे तो ये इनकी बाउंड्री लाइन थी इसके अलावा फाउंडिंग ओरिजिन कौन था इनका इसकी बुनियाद किस डायनेस्टी ने रखी तो इसकी बुनियाद जो है शेख सफी अल सफीन अर्दबली ने इसकी बुनियाद रखी थी ये एक स्कॉलर थे एक पोइट थे और इसके अलावा फिलॉसफी में भी इनका काफ़ी देहान था और इन्हीं के डिसेंडेंट्स ने दरअसल इस एम्पायर को शुरू किया था यानी कि डायनेस्टी की बुनियाद रखी लेकिन डिसेंडेंट्स दिस, किसके हैं शेख सफ़ी अल शफीद्दीन अर्द बिली के तो इन्होंने अपनी इस जो अपनी एक इनका ट्राइब था या अपना एक कबीला था इसकी एक प्रॉपर जो है उसको उसकी बुनियाद रखी और आगे चल के इन्हीं के जो डिसेंडेंट्स हैं शाह इस्माइल वन इन्होंने इस डायनेस्टी की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी तो आप ये कह सकते कि फ़ाउंड इसको किसने किया इस डायनेस्टी को फाउंड किया शेख सफ़ी ने और इसके बाद इसकी जो डायनेस्टी की बुनियाद रखी वो शाह इस्माइल वन ने रखी सो शाह इस्माइल द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी यूनाइटेड टर्क ट्राइब्स एंड लोकल फोर्सेस टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी इन 1501 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द शाह ऑफ ईरान मार्किंग द सफाविद रूल तो इस तरीके से जो डायनेस्टिकल रूल होता है और ईरान का अपने आप को इन्होंने जो है वो Uh, बादशाह डिकलेयर कर दिया अपना कैपिटल भी इन्होंने इस को बनाया जो कि ईरान का एक इलाका है उसको इन्होंने अपना कैपिटल बनाया और इस तरीके से बाकायदा तौर पर इस डायनेस्टी का आगाज हुआ उसके बाद शाह अब्बास वन आ जाते हैं ये भी एक प्रोमिनंट रूलर गुजरे हैं सफावट डायनेस्टी में इनको द ग्रेट अब्बास द ग्रेट भी कहा जाता है ही असेंडेड टू द थ्रोन इन 1588। ही ट्रांसफॉर्म द दफावट एम्पायर इनटू अ मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल पावर

इसके बाद आ जाते हैं शाह अब्बास टू यह कॉइन इनके दौर में मुतारिफ करवाया गया था शाह अब्बास के दौर में एंड ही वॉज द ग्रन ऑफ अब्बास द ग्रेट और इन्होंने रूल किया 1642 में से लेकर uh, 1666 तक डिस्पाइट शॉर्ट ही कंटिन्यूड द पॉलिसीज ऑफ हिज ग्रांड फादर द एम्पायर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री कैंपेन्स वाइल आल्सो प्रायोरिटाइजिंग द आर्ट्स तो इन्होंने ना सिर्फ आर्ट्स के ऊपर फोकस किया अपनी टेरिटरी को मर्द, आ, मजीद जो है वो स्ट्रेंथन अप किया और अपने ग्रैंड फादर शाह अब्बास वन द ग्रेट जो है, उनके आ, पीछे चलते हुए इन्होंने सेम रिफॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो किया अब लेगेसी क्या है सफाव डायनेस्टी की इसके दौरान जो है सफावत डायनेस्टी में बहुत सा आर्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया यहाँ आपको एक पोट्री नज़र आ रही है जो कि हैंडमेड है और इसमें आपको एक हंटर नज़र आ रहा है जो कि शिकार कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पोट्री है ये और ये इन्हीं के दौर में बनाई गई थी इसके अलावा ये मस्जिद भी सफावट डायनेस्टी के दौर में ईरान में बनाई गई थी सो द सफावट डायनेस्टी वॉज क्रूशल इन शेपिंग ईरान नेशनल आइडेंटिटी एंड पोलिटिकल लैंडस्केप सो so, आज भी जो लैंडस्केप और इसके अलावा जो ईरान की नेशनल आइडेंटिटी है वो सफाविद डायनेस्टी जो है उसकी बुनियाद थी इट ऑफ पर्शियन कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर द लेगेसी ऑफ सफाविद कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस ईरानियन सोसाइटी एंड कल्चर टू दिस डे सो माय डियर स्टूडेंट्स ईरान में आज भी जो कल्चर और जो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस जो है वो um, म, जानी जाती है वो सफावट डायनेस्टी की ही देन है इसके अलावा जो आर्ट और एग्रीकल्चर और सॉरी जो आर्किटेक्चर है वो भी सफाव डायनेस्टी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बायर टीचर पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट आई होप एवरीबडी हैज फिनिश द वर्कशीट फॉर होम वर्क यू विल कंप्लीट स्केल थ्री पॉइंट थ्री एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इन योर नोटबुक्स आई होप एवरीबडी हैज नोटेड होम वर्क सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हमने सफावत डायनेस्टी के बारे में पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया किस तरीके से रोज टू पावर और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स में गुजरे हमने उनको भी डिस्कस किया आई होव एंजॉय टूड लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ है गुड डे थैंक यू सो मच